लोजपा कार्यालय में जहां मौजूद हैं लोजपा के वरिष्ठ सदस्य लोग और लोजपा के से जो विधानसभा से लड़े थे चंदन सिंह, हम उनसे बात करेंगे अभी वर्तमान सरकार के बारे में कि क्या अभी की सरकार के बारे में क्या कहेंगे, ये जो महागठबंधन के साथ नई सरकार बनी है या क्या कहते हैं इस संदर्भ में। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कार्यालय है, हमारे प्रखंड अध्यक्ष मनोहर जी हैं। आने वाला समय आप लोग को खुद बुझा रहा होगा कि देश और मेरा राज्य किस ओर जा रहा है। इस परिस्थिति के अनुसार आगे का दिशा और निर्देश, आगे का रास्ता तय होगा। अभी पार्टी का कोई तय नहीं हुआ है। अभी तो बिहार में जो हम यही बता रहे हैं कि बिहार में जो विश्वासघाती सरकार बना है, जनमत कहीं से मिला, सरकार कहीं बनाया, तो ये हम लोग के राज्य के तरफ से या देश के तरफ से कहीं से यह अनुकूल नहीं है। या जनमत आपकी जिसमें दीजिए उसी में कम से कम 5 साल का जनमत मिलता है जनता के द्वारा। ऐसा नहीं कि आज जनमत दिया, किसी माइंडेड दिया किसी के नाम पर, सरकार बना लिए किसी के नाम पर, तो ऐसा नहीं होता है। यह सब छलवा है, इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। जद के जिला अध्यक्ष सीमा गुप्ता जी, अभी के मौजूदा हालात से मैं उनसे बात करता हूँ। जैसे कि विपक्षों का कहना कि नई सरकार को लेकर के कि खास करके तेजस्वी प्रसाद यादव जिस समय चुनावी दौरे पर थे उस समय उन्होंने 10 लाख नौकरी देने की बात की थी, उस पर खास कर ज़्यादा लोगों का कटाक्ष चल रहा है। इस संदर्भ में क्या कहती हैं मैडम? सबसे पहले तो मैं महागठबंधन की ओर से बिहार वासियों को बधाई देती हूँ और तेजस्वी जी की नौकरी की जहाँ तक बात है, ये तो पहले ही बैठक में जो है महागठबंधन का जब सरकार बनी तो बैठक में हो गया कि जहाँ जहाँ सीट खाली है जो जो विभाग में उस सब को भरा जाएगा। और भी यह बात आ रही है सामने कि यह सरकार ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, ज़्यादा पहले भी यह गठबंधन था और टूट गया कुछ ही दिनों में। ऐसी कोई बात नहीं है, चौक चौराहे और गलियारों में इसी तरह कुछ से कुछ बात उठते रहते हैं। बीजेपी के साथ दोस्ती हुई तो बहुत अच्छी बात है और राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन हुआ तो बहुत खराब बात है, तो सरकार ही नहीं चलेगा। और 5 साल के बाद सरकार जो है नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनेंगे और हमारे तेजस्वी प्रसाद जो है बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और बहुत अच्छा ढंग से सरकार चलेगा और हमारे जनता जो है वो बहुत खुश रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जिला अध्यक्ष सीमा गुप्ता जी का, जिन्होंने